आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वानगी बुधवार को सुबह दिल्ली के अलीपुर में हुए एनकाउंटर के रूप में देखने को मिला। हालांकि इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस को सफलता हाथ लगी, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी थी। देश की राजधानी दिल्ली बुधवार सुबह एक बार फिर गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर में एनकाउंटर के बाद सुनील उर्फ टिल्लू गैंग के दो गुर्गों को धर दबोचा, जबकि एक को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी टिल्लू गैंग के वही बदमाश हैं जिनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार की सुबह एक एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस को हत्या और फिरौती के कई मामलों में इनकी लंबे समय से तलाश थी। ये तीनों 20 अगस्त को नरेला में गोगी गैंग के बदमाश अरमान की हत्या में वांछित थे। तीनों व्यक्ति जो हमने फ्रेंड किए, इनसे जो इनिशियल पूछताछ से मालूम चला है कि ये सुनील टिल्लू गैंग के मेंबर हैं और इन्होंने 20 अगस्त को अरमान, जो कि जितेंद्र गोगी गैंग का मेंबर था, उसका मर्डर किया था। और मर्डर करने का रीज़न ये था कि जितेंद्र गोगी के डायरेक्शन पर अरमान काफ़ी दिन से इनको प्रेशराइज कर रहा था कि ये लोग टिल्लू का साथ छोड़कर इसके साथ इनके गैंग में शामिल हो जाए, जिस पर इन्होंने मना किया। दरअसल जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि टिल्लू गैंग के दो सक्रिय बदमाश स्कूटी से बुधवार सुबह रोहिणी जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र स्थित मुखमेलपुर गांव के पास जंगल झाड़ियों से होकर पुस्ता रोड से गुजरेंगे। स्पेशल सेल की टीम ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और वहाँ ट्रैप लगाकर सावधानीपूर्वक अपनी टीम तैनात कर दी। सुबह करीब 5 बजे स्कूटी पर सवार दो बदमाश जैसे ही सामने पहुंचे, पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो गोलियां पुलिस के जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जाकर लगी। चूंकि दिल्ली पुलिस की टीम ने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट के इंतजाम किए थे, इस कारण पुलिस के जवान बदमाशों की गोली से बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी उन्हें पकड़ने के लिए जवाबी फायरिंग की, तो एक बदमाश के पांव में गोली लगी और वह नीचे गिर पड़ा। फिर पुलिस टीम ने गजब की फुर्ती से छलांग लगाकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये व्यक्ति 20 अगस्त को जितेंद्र गोगी गैंग का एक मेंबर है अरमान, उसके मर्डर में शामिल है और इसके साथ इसके दो शूटर्स और थे। उनके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन जो इसने बताई, उसके हिसाब से सुबह 5 बजे के आसपास अलीपुर के एरिए में दोनों व्यक्तियों को आना था, जिनका नाम महेश और नितेश है। बहरहाल टिल्लू गैंग के इन तीन बदमाशों को पकड़ लिया गया है, लेकिन टिल्लू गैंग के कारण पिछले दिनों दिल्ली में कई बेकसूर लोगों की जाने गई। मसलन दिल्ली के बुराड़ी में सरेआम सड़क पर दो गुटों में फायरिंग हुई, जिसमें एक वेल्डिंग करने वाले बेकसूर शख्स की तो एक महिला जो नौकरी पर जा रही थी उसकी भी मौत गोली लगने से हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इसी तरह पीतमपुरा में जब बदमाशों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की हत्या भी हुई, लेकिन एक गोली पास में पान की दुकान लगाने वाले एक शख्स को भी लगी और उसकी भी मौत हो गई थी। अब जरूरत है कि इस पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे गिरोह को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।